This video is powered by obs6.com, our best solution. Check description for more information. वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ रेडमी नोट 7 के फुल अनबॉक्सिंग। तो चलिए देख लेते हैं इस बॉक्स में क्या क्या है और इस मोबाइल पे क्या क्या है न्यू फीचर्स। तो ये है रेडमी नोट 7 का बॉक्स। यहाँ पे बैक में लिखा है कि डुअल कैमरा के फीचर्स है और रैम, और इसके पास बैटरी का मतलब कितनी बैटरी है। यहाँ पे जस्ट जो बेसिक फीचर्स लिखा रहता है वही है। और ये एक चाइना वर्सन का एक बॉक्स है। तो यहाँ पे अनबॉक्सिंग मैं ऑलरेडी कर चुका था, तो मैं फिर से एक बार अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे है मेरे मेन कंटेंट। तो इसके कलर देख सकते हो, यह पिंक और पर्पल के मिक्स्ड पे बनाया गया है। और यहाँ पे एक आपको मिल रहा है यूएसबी टाइप सी चार्जर, जो मतलब इस प्राइस रेंज पे किसी भी मोबाइल पे आपको नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपको क्विक चार्जर 4 का सपोर्ट भी मिल जाएगा, मतलब आपके फ़ोन जस्ट क्विक के मतलब कितने मिनट में पूरा फुल चार्ज हो जाएगा। और अभी देख लेते हैं कि और क्या क्या है। और यहाँ पे थोड़ा सा पेपर वर्क है, अभी इसे क्लोज कर देता हूँ और मेन कंटेंट को देख लेता हूँ। तो इसके क्या क्या फीचर्स है। तो यहाँ पे इसका कलर देख सकते हो, ये एक बहुत बढ़िया कलर यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे रैप करने पर भी वहाँ पे स्केचेस नहीं आ रहा है। और ये तीनों कलर पे आता है, ब्लैक, ब्लू और इस जो मतलब पिंक और पर्पल के मिक्स्ड पे। तो यहाँ पे Redmi का मतलब जस्ट Redmi लिखा हुआ है। और आदर्श मोबाइल पे जहाँ पे EMI लिखा रहता है, तो यहाँ पे Redmi लिखा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये मोबाइल ऑन मैं ऑलरेडी करके रखा था। और यहाँ पे 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पे दिया हुआ है। दमदार फोटो खींचता है इस कैमरा से। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक फिंगरप्रिंट सेंसर। यहाँ पे 3 वेरियंट के साथ आता है, एक आ रहा है 3GB एंड 32GB, जो उसका प्राइस स्टार्टिंग हो रहा है 10,000 के आसपास। और जो 4GB एंड 64GB के आ रहा है वो है 12,000 के आसपास। एंड जो 6GB एंड 64GB स्टोरेज के साथ आ रहा है वो आ रहा है 14,000 के आसपास। तो मोबाइल के ओवरव्यू की बात करें, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूज से बैक नॉच, और इसके साथ आपको मिल जाएगा 6.3 इंची फुल HD प्लस डिस्प्ले। और यहाँ पे कंपनी का दावा है कि ए फ्लैश प्रूफ ब्लास्ट प्रूफ भी है, मतलब इसके कॉम्पैक्ट जितने बनाया गया है कि आप वाटर में, वाटर प्रूफ तो नहीं है बट वाटर में अब हाथ से निकल भी जाए तो भी इसके मोबाइल पर कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर देख सकते हो स्पीकर और USB टाइप सी चार्जर, यहाँ पर आयर ब्लास्टर, और इसके पास में हेडफोन का जैक आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप यहाँ पे कुछ मोबाइल पे रहते हैं कि ओनली टाइप सी देता है और उसके माध्यम से आपको हेडफोन लगाना होता है, बट यहाँ पे दोनों ही आपको मिलेगा, हेडफोन जैक और USB टाइप सी चार्जर। और यहाँ पे राइट साइड पे आपको मिल जाएगा सिम इजेक्टर टूल, और मैं यहाँ से सिम को उसे टूल मतलब जो ट्रे है उसे निकाल के दिखा देता हूँ कि हाइब्रिड है या फिर नॉर्मल है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाइब्रिड का स्लॉट दिया हुआ है, मतलब कि आप एक सिम और एक स्लॉट में एक सिम और या फिर मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो। आप इसके कैमरा की बात करें, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 48 प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका क्वालिटी कितना बढ़िया आ रहा है। और मैं एक तो इस पिक्चर को देखिए, मैं इसे जूम कर रहा हूँ तो पूरा डिटेल्स जो जो डिटेल्स है सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखा रहा है। मतलब आपको एक मतलब DSLR जैसा आपको क्वालिटी मिल जाएगा, मतलब DSLR की तरह तो नहीं बट DSLR जैसा आपको क्वालिटी मिल जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग सभी ने जानते हो कि अभी Redmi Note 7 इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, ये सिर्फ चाइना में लॉन्च हुआ है। तो कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं है, बट एक अनऑफिशियल न्यूज़ है कि इंडिया में मार्च के एंड तक ये आ जाएगा। और Xiaomi ने भी ट्राई कर रहा है कितने जल्दी इसे इंडिया मार्केट पर ले कर आए, क्योंकि उसे भी पता है कि इतना वैल्यू फॉर मनी अगर आप इंडिया में देता है तो इसका मोबाइल कितना सेल होगा। तो Xiaomi ने भी ट्राई कर रहा है और सब कुछ ठीक ठाक रहे तो इंडिया में कितना प्राइस पर आता है तो वो तो देखने के बाद है। तो जब आएगा तो मैं पहले इसे ऑर्डर करूंगा और इसके फुल रिव्यू करूंगा और उसके गिव अवे भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो तब तक के लिए वेट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए।